तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ कि किस तरीके से हम चार्ट्स के फॉर्मूले जो होता है वो क्या होता है और कैसे उसको हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, डायनेमिक कर सकते हैं, या चार्ट्स के ऊपर किस तरह से बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्वार्टर 1 2 3 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने दिया हुआ है, कुछ सेल्स हमने दे दिया यहाँ पे सिंपल सा, और इस पे मान लीजिए मैंने पाई चार्ट क्रिएट कर दिया, इंसर्ट पाई चार्ट हमने क्रिएट कर लिया हुआ। अब जैसे ये पाई चार्ट को आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चार्ट टाइटल है तो चार्ट टाइटल आपने यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट कर लिया या टाइप कर देते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखू कि जैसे कि सेल्स 2020। अब सेल्स 2020 जो है वो तो चलो ठीक है, फिर 2021 होगा, 22 होगा, तो मैं चाहता हूं कि यहां मैं फॉर्मूले से ऑटोमेट कर दूं कि इक्वल सेल्स हम यहां पे ईयर एंड यहां पे हम टुडे का फॉर्मूला देके इसको ऑटोमेट कर लिया। चाहता हूं कि ए चीज यहां पे आनी चाहिए, जो मैं सेलेक्ट करूं ए यहां पे आना चाहिए टाइटल में और इसके साथ लिंक होना चाहिए। इसको किया जा सकता है, राइट क्लिक कीजिए यहां पे सेलेक्ट डेटा और इसी में आप एडिट पे जाएं और सीरीज नेम को इसको सेलेक्ट कर लें तो आप एंड ओके, तो यहां आपका इसके साथ लिंक हो गया। कल के डेट में जैसे मैंने मान लीजिए माइनस यहां पे -1 कर दिया तो आप देखेंगे कि 2020 ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, लिंक हो गया। तो इस तरह से हम टाइटल वगैरह को ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल सीरीज पे मल्टीपल सीरीज पे टाइटल नहीं होता है ऑटोमेट। तो जब भी आप चार्ट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक सीरीज का फॉर्मूला आता है। इस सीरीज का फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखिएगा, हमने आपको शुरुआती में बताया था कि कोई भी चार्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट आपका कनेक्टेड होता है आपके फॉर्मूले के साथ। जी हाँ, कोई भी चार्ट या कोई भी फॉर्मूला कनेक्टेड होता है आपके इसके साथ, फॉर्मूले के साथ। तो चार्ट भी सीरीज फॉर्मूले से कनेक्टेड होता है। तो समझिए क्या है, तो जो ये आपका A6 दिख रहा है ना सर, A6 आपका टाइटल है या फिर जो यहाँ पे दिखता है लेजेंड, वो लेजेंड होता है। A6 आपका क्या है, टाइटल है। उसके बाद ये आपका पहला जो आता है A1 से A4, ए क्या है, ये आपका एक्सिस है, ठीक है, यहां जो बना हुआ एक्सिस ए है। और ए जो आपका आता है वो आता है आपका चार्ट का सीरीज वैल्यू, जिसके अकॉर्डिंग चार्ट बड़ा छोटा जो भी सीरीज क्रिएट करता है, और ए होता है पोजीशन, समझे सर। पोजीशन माने मैं मतलब... समझाता हूँ, पोजीशन इस पे समझ में नहीं आएगा, दूसरे चार्ट पे समझाऊंगा। ओके, तो अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा यहीं पे एंट्री कर दो, तो आप कर्ली ब्रैकेट में यहीं पे डेटा एंट्री कर सकते हैं कि 65, 62, 52, 32 आपका डायरेक्ट यहीं पे लिंक हो गया। और आपने सीरीज लिंक किया है तो आप यहाँ पे मान लीजिए ए अपना एक्सिस को भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन्वर्टर कॉमा में Q1, Q2, तो इसमें Q2, Q3, Q4। राइट, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब चार्ट आपका इस डेटा से लिंक ही नहीं है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। अब बोला सर आपने, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मैंने चार्ट बनाया, पहले डेटा टाइप किया, चार्ट बनाया, आफ्टर देन मैंने उसकी सीरीज पे जाके हाँ चेंज कर दिया, तो क्या हम डायरेक्टली चार्ट बना के नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, डायरेक्टली हम चार्ट बना के कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इंसर्ट करेंगे एक ब्लैंक चार्ट, जैसे मैं इसी को इंसर्ट किया एक ब्लैंक चार्ट,
ब्लैंक चेक इंसर्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और इसके सिलेक्ट डेटा पे चला गया, सिलेक्ट डेटा। यहां ऐड डेटा पे आइए, ये आपका टाइटल होता है, जिसे मैंने आपके टाइटल में दे दिया सेल्स 2020 या फिर जो भी 2020 या 21 देना है दे दीजिए, और जो आपकी वैल्यू है यहां कर दी वाई गेट में दे दीजिए कि 20 30 40 एंड 50 राइट। और यहां जो सीरीज आपको यहां देखिए 1 2 3 आ रहा है वो आप यहां पे दे सकते हैं कि यहां पे अपना स्लैब में डाल दीजिए कि यहां पे कर्ली वाई गेट में जैन कॉमा फैब कॉमा, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लगा देता है। तो डायरेक्ट आपने लगाया, इसका यूज तो होता है लेकिन ये जो सीरीज वाला सिस्टम है इसका आप जो सिलेक्ट डेटा वाला सिस्टम है इसका आपको काफी ज्यादा करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नेम है और यहाँ पे मेरे पास मंथ है और यहाँ पे मैंने अपना पर्सन के नेम दे दिए और यहाँ हमने अपने चार्ट्स ले लिए। मुझे इस पे वाटरफॉल चार्ट बनाना है लेकिन मुझे बनाना है इस पे टोटल पे, ठीक है सर। बट प्रॉब्लम यह है कि मुझे बाकी डेटा को इग्नोर करना है, सिर्फ मुझे टोटल को ही सिलेक्ट करना है, कैसे होगा? तो उसके लिए आपकी अगर माउस पे कमांड अच्छी है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्लेस करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए, देन इंसर्ट, मैं अपना वाटरफॉल चार्ट यहां बना दिया। ओके लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि माउस पे अच्छी कमेंट कनेक्टेड नहीं हो आपका तो दिक्कत होगा, तो कैसे करेंगे? तो उस केस में हम यहां अपना ब्लैंक चार्ट इंसर्ट करेंगे। जी हाँ, इंसर्ट वाटरफॉल ब्लैंक चार्ट, ब्लैंक चार्ट आया, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहां पे करेंगे सिलेक्ट डेटा, यहां पे सीरीज, यहां पे एडिट सीरीज पे जाएंगे और यहां जो मैनुअली डेटा है उसको ये इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और टोटल के लिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके। उसके बाद इसको एडिट करते हैं और अपने पर्सन के नेम दे देते हैं। सॉरी एक्सेस, ओ मुझे उल्टा कर दिया सर, मुझे इसमें सीरीज वैल्यू लेता है। एडिट करना है एक्सेस लेवल, इसको ऐसे वाटरफॉल चार्ट नहीं बनता। हाँ, इस चार्ट को बना सकते हैं, जैसे ये सारे चार्ट को डायरेक्टली नहीं लगा सकते, डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है। हमने यहाँ पे अपने सीरीज नेम ले लिया टोटल और यहाँ पे हमने ले लिया अपना सीरीज वैल्यू और फिर यहां एडिट पे आते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। इस तरह से किया जा सकता है सर। एक बार वो आप वाटरफॉल वाला चार्ट बनाएंगे, उसमें जो वैल्यूज आ रही थी उसका प्रेजेंटेशन समझना था, वो कैसे क्या बता रहा है? जैसे कि वाटरफॉल चार्ट में क्या होता है कि आपने इसको सेलेक्ट किया इंसर्ट और मैंने अपना वाटरफॉल चार्ट लगाया। अब सर जैसे ये वैल्यूज आ रही हैं, इससे मतलब 2 168 291 से ऊपर दिख रहा है 141, ये ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज।
नहीं इसको नहीं कैसे रीड करते हैं? वाटरफॉल चार्ट का मतलब ये नहीं है कि ये बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। ये टोटल की तरफ चलता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए कि आपका पूजा 291 है, तो 291 के पास में है, और पूजा और नीरज का मिलाकर कितना हो रहा है, 450, 459। तो ये जो दूसरा जो स्लैब आया हुआ है 459 के आसपास गया हुआ दिख रहा है सर। अच्छा, फिर तीसरा आप देखिए तो क्या है, ये आपका क्या है, 600। चार्ट जो है 600 के आसपास है। अच्छा, तो वाटरफॉल का मतलब क्या हुआ कि कुमुलेटिव चलता है, मतलब कि आप वैल्यू अब कहां से स्टार्ट हुई है, मतलब इससे पहले वाली कहां पे थी उससे कितना स्टार्ट हुई है। तो नेम के हिसाब से नहीं है, पीरियड के हिसाब से चलता है। जैसे कि आप मंथ वाइज आप प्रॉफिट ले रहे हो, प्रॉफिट में दो चीजें हो गई कि आपने उस पर्टिकुलर महीने में कितना प्रॉफिट कमाया है और अभी तक कितना कमा लिया है। अच्छा, मतलब ये किसी का क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस देखना हो कि उसका जी अब तक का क्यूमुलेटिव उसने कितना किया है और कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो ये वो उसमें काम आएगा। जी जी हाँ, सही सही बोले आपने। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कितना टोटल टाइम कंज्यूम हुआ एक प्रोजेक्ट जी पे। जी जी ओके क्लियर है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास डेटा अगर टू वे में हो, मतलब डिफरेंट वे में हो, जैसे मान लीजिए ना मेरे पास मंथ है, मंथ वाइज सेल हमारा निकला हुआ है, मंथ वाइज सेल है हमारा। यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हमारे पास ए का सेल, यहाँ पे 3 ए का सेल आया हुआ है, राइट। और 3 बी का जो सेल आया, वो 3 बी का सेल मुझे किसी डिफरेंट लोकेशन या इसी सीट में ट्रांसपोज होके कुछ इस तरह से आया हुआ है। अब रिक्वायरमेंट है मुझे चार्ट की, जिसमें टीम ए और टीम बी दोनों का मैं ये दिखाऊं, कंपेयर दिखाऊं क्या। तो अब दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, लेकिन मैंने देखा कि जो इस डेटा का सीक्वेंस है, जो हमारा हेडिंग सेम है। सीक्वेंस है, और इसकी सीक्वेंस अगर सेम है तो हम चार्ट बना सकते हैं। तो हमने चार्ट को यहां लिया और हमने राइट क्लिक सेलेक्ट डेटा ऐड, हमने यहां पे लिख दिया 3A, टाइटल दे दिया हमने, और हमने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, फिर वापस ऐड किया, और यहां पे टीम बी और टीम बी का हमने डेटा ले लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है सर। उसके बाद एडिट पे आया और हमने कोई कोई सीक्वेंस तो सेम है तो किसी को ले लिया, जिसमें मुझे जैन फैब था मार्च जो है दिख जाए। ये आपका दो डिफरेंट वे में चार्ट बन गया। अब किसी ने पूछा था कि सीरीज फॉर्मूले में 1 एंड 2 पोजीशन क्या होती है, राइट। तो अच्छा, ये कौन सी हो गई? आप यहां देख रहे हैं कि पहले में कौन सा है, पहले में मेरा टीम ए है, फिर टीम बी है। अब कभी गलती ऐसी हो सकती है कि टीम बी पहले आ गई और टीम ए बाद में आया, आ गया सर। मैं चाहता हूं नहीं, ए इसके बाद हो, मैं टीम ए के बाद हो, दिख रहे हैं ना सर। हाँ ए जी, होता है तो ये पोजीशन 1 पे है, इसका मतलब कि इसके पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे भेजना है तो मुझे इसको 1 को 2 करना पड़ेगा, तो दूसरे नंबर पे चला जाएगा। और कल की चार्ट में मैंने इसका यूज किया था कि आगे पीछे भेजने के लिए सर, ठीक है। क्या होता है कि हमारा ओवरलैप हो जाता है, मतलब तो एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाता है, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ये टीम बी ना होगी, ये आपका टारगेट है, ठीक है। तो मैंने राइट क्लिक किया और चला गया मैं इसमें फॉर्मेट डेटा सीरीज में, और जो ओवरलैप है इसको मैं 100% कर देता हूं।
कर दिया। और इसकी जो फिल कलर है, इसकी फिल कलर को मैं सॉलिड और इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, राइट। ट्रांसपेरेंसी को ये ब्लैक कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो ये हमारा सेल्स है वो ऊपर आए व्हाइट कलर में, तो इसको मैं वन नंबर पोजीशन करूंगा, तो ब्लू वाला आ गया यहां पे। अच्छा, ब्लू वाले को सिलेक्ट किया। अब इसकी जो कलर है सॉलिड में, मैं इसको ग्रे कलर कर देता हूं, कर दिया सर। अब दोनों सेम है। अब मैं टारगेट को बड़ा करता हूं 80। कलर क्यों चेंज हो गया? वन है ना, इसको ब्लैक कर देता ना, गलती से कलर चेंज हो गया। 80 दे दिया, इसको 95 कर देता हूँ, इसको मैं भी हाई कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है सर? हाँ जी। बोलेंगे सर पीछे का पते नहीं चल रहा है ना, तो इसकी इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ट्रांसपेरेंसी को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। और इसकी सॉलिड कलर को थोड़ा सा और लाइट कर दीजिए, को मैं ओके। तो वन एंड टू का इस्तेमाल हम इस चीजों के लिए करते हैं। आया समझ में? अब बात करते हैं हम डायनेमिक रेंज की। जी हाँ, जैसे मैंने मंथली चार्ट लगाया और यहां पे सेल्स दिया, मान लीजिए कि जैन फैब मेरे पास क्या है कि फिलहाल जो चार्ट है वो जैन फैब का नहीं है, जैन फैब का है मान लीजिए, लेकिन इस पे मैंने अपना चार्ट तैयार कर लिया। तो ये हमारा जैन और फैब दो आ गया। फ्यूचर में मेरा यहां पे मार्च भी आएगा, तो अब मुझे मार्च के लिए इसको जो है यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब मार्च आएगा। तो हर महीने आपको अपने रेंज को इंक्रीज करना पड़ जाएगा, क्या बोलना है सर? उससे बेटर है कि आप इसको पहले, आप बोलेंगे सर मैं पहले से रख देता हूं, पहले से रख देंगे तो कुछ इस तरह से चार्ट दिखेगा। मैं बोलता हूं नहीं, चार्ट का जो रेंज है, जो सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए, चार्ट का सीक्वेंस जो जितना है उतना आना चाहिए, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे डेटा डालूं ये यहाँ ये अपने आप को खुद ब खुद इंक्रीज कर ले। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? हेलो, एक बार समझाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे। क्वेश्चन सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पे अपने सेल्स को बढ़ाऊंगा तो मुझे बार बार अपना चार्ट को इंक्रीज करना पड़ रहा है ना सर? ओके, समझ गया समझ गया। डायनेमिक बनाना है मतलब नीचे डेटा ऐड होगा, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे तक दे दिया तो फिर चार्ट इस तरह से दिखेगा, तो मैं रेंज उतना ही देना चाहता हूँ जितना हमारा डेटा है, बट डेटा जैसे बढ़ेगा चार्ट अपने आप को खुद इंक्रीज कर रहे, हमें मैनुअल इंक्रीज ना करना पड़े। जैसे हम नॉर्मल एक्सेल में ऑफसेट फॉर्मूला लगा के रेंज पकड़ते हैं। जी हाँ, वही चीज यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो यहाँ भी हम ऑफसेट फॉर्मूला ही लगाएंगे, हम इसको सिलेक्ट करते हैं रो नंबर 1 एंड कॉमा 1। इस पे दो देना पड़ता है, सीरीज का अलग देना पड़ता है और डेटा का अलग देना पड़ता है। कॉलम 1, यहां पे हाइट के लिए मैं काउंट ए का फॉर्मूला
काउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, सॉरी काउंट नंबर काउंट करना है ना, नहीं काउंट ए भी चलेगा, मुझे एक माइनस करने पड़ेंगे फिर इसमें। तो दोनों ही चल सकते हैं काउंट और काउंट ए, फिर इसमें नहीं चलेगा ना, हमें काउंट ए से माइनस वन कर दिया हेडिंग को, विड्थ हमारा वन है, ठीक है। इसमें मुझे इस ए वन को फ्रीज करना पड़ेगा और इसको फ्रीज करना पड़ेगा, फिर इसको पूरे को कॉपी करके मुझे जाना होगा डिफाइन नेम में, क्योंकि चार्ट डायरेक्ट फॉर्मूला को पिक नहीं करेगा, इसलिए डिफाइन नेम की मदद लेना पड़ेगा। तो यहां पे मैं एसएल कर देता हूं, एसएल एस सेल्स, ठीक है, और यहां पे फॉर्मूला वो पेस्ट कर देता, फिर मुझे सेम फॉर्मूले को चेंज करना है, इसमें रो तो रहेगा बट कॉलम को जीरो कर देता हूं इसके लिए, और काउंट को भी मैं इस पे शिफ्ट कर देता हूं, काउंट ए को, तो शायद नेम आ गया। अब सेम फॉर्मूला को लेता हूं, इसमें एमएम कर देता हूं मंथ के लिए, और यहां पे फेस कर देता हूं। अब यहां सीरीज फॉर्मूले पे आई, जैसे कि ये आपका सीट वन तो है ही, ये आपका जो सीरीज था, इसमें सीट नेम डिलीट मत कीजिएगा, ठीक है, सीट नेम को रहने दीजिएगा, और यहां पे एम एम आ जाएगा, ठीक है, और यहां जो दिख रहा है यहां इसको डिलीट कीजिए, और एम एम के जगह पे यहां पे क्या डालेंगे हम, SLS। हाँ लिंक हो गया, ठीक है सर। अब मैं यहां पे कोई डालता हूं मई, और सेल्स डाला, मई ऐड हो गई, लाई यहां पर ऐड हो रही है। मैं अच्छा सर, ये अगर ऊपर का डिलीट करें मतलब, या ऊपर की रेंज भी चेंज हो जाएगी इसमें? नहीं, यहाँ अगर आपने बोला कि मैं ऊपर से डिलीट कर देता हूँ तो दिक्कत होगा। हाँ, चार्ट इनकम्प्लीट, ठीक है, समझ गया, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें सर? सर लेकिन ये डी जो रो कॉलम है उसको तो कदर डिलीट करना पड़ेगा ना, जैसे आप डिलीट कर दिए, तो मैं ऐसे आपको समझाने के दिया हुआ, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम बात करेंगे अपनी डायनेमिक चार्ट की लास्ट क्लास पे, जिसमें हम बात करेंगे डेवलपर टाइप के अंदर जो बटन होते हैं इसका कैसे इस्तेमाल करें। ओके, मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय।